इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल से यह खबर। दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से की मुलाकात। तो हिमाचल के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, काफी अहम ये मुलाकात। दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल के विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। तो काफी अहम ये मुलाकात सीएम जयराम ठाकुर की, बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। तो हिमाचल के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा। तो दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। इसके साथ ही हिमाचल के विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, काफी अहम ये मुलाकात रही। और हिमाचल के विकास से जुड़े संबंधों के चलते तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से ये मुलाकात काफी अहम सीएम जयराम ठाकुर की, काफी विकास से संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही तो दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। इसके साथ ही आपको बता दें, हिमाचल के विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अंकुश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुश, काफी अहम सीएम जयराम ठाकुर की यह मुलाकात, क्या कुछ अपडेट? देखिए जावेद, हिमाचल प्रदेश चुनावी सामने में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दो हफ्तों की बात करें तो मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब आए थे तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी और हिमाचल प्रदेश के विकास के मसले पर चर्चा की गई थी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से और ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की जो समस्याएं हैं वो भी पहाड़ की तरह बड़ी होती है। ऐसे में वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इस बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और पूरी तरीके से आश्वासन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मिला है कि हिमाचल प्रदेश को जो भी संभव सहयोग होगा वो केंद्र की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, उनसे भी मुलाकात का समय मांगा गया है। ये मुलाकात भी संभावित है और हिमाचल प्रदेश के तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में है, मुख्यमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जून में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, उनका दौरा संभावित है, तो उन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिहाज से मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। जावेद, बिल्कुल अंकुश, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात काफी अहम ये मुलाकात, और सबसे बड़ी बात की हिमाचल के विकास से जुड़े संबंधी मुद्दों को लेकर ये मुलाकात काफी अहम। अंकुश, बिल्कुल, देखिए विकास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में है, करीब 4.5 साल से बीजेपी सरकार लगातार ये बात कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक इंजन केंद्र का है और एक इंजन राज्य का। उस डबल इंजन की सरकार को किस तरीके से और ज्यादा गति दी जाए, तीव्रता से विकास किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। अंत के जो 6 महीने होते हैं, माना ये जाता है कि मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सरकार की बात करें, वो इस तरह की घोषणाओं से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच एक विश्वास पैदा हो कि सरकार हमने चुनी है ये विकास की राह में जो है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। तो वो विश्वास हिमाचल प्रदेश की जनता पर आए, जनता विश्वास सरकार पर करे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं मिशन रिपीट का, और ये मिशन रिपीट तभी सफल होगा जब केंद्र की ओर से सहयोग होगा। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, केंद्र की सहायता से चलता है। ऐसे में ये जो मदद होती है केंद्र की ओर से, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जावेद, विधानसभा चुनाव नजदीक अंकुश, लेकिन ऐसे में कई जो विकास कार्य हैं उनको लेकर ये अहम मुलाकात, और ऐसे में काफी अहम ये मुलाकात हो जाती है सीएम जयराम ठाकुर की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।